आज हम लोग फिर से वर्णमाला टेस्ट या अल्फाबेट टेस्ट जो है उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। श्रुति, आप आज फिर से लेट हो गए, तो चलिए आज हम लोग वर्णमाला परीक्षण में या अल्फाबेट टेस्ट जो है उसी का आज हम लोग का उसी टॉपिक पर आज का क्लास है। आज हम लोग वैसे वर्णमाला क्रम पर विचार करेंगे जब प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश माने फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट हाफ के बारे में विचार करें तो फर्स्ट हाफ आपका जो भी है इंग्लिश अल्फाबेट कहाँ से शुरू होता है, ए से शुरू होता है और जेड में समाप्त हो जाता है। तो यदि फर्स्ट हाफ की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपका 26 लेटर होता है, तो फर्स्ट हाफ में 13 लेटर आ जाएगा, फिर आपका सेकेंड हाफ में 13 लेटर आ जाएगा। तो जब फर्स्ट हाफ को अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे माने विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, बोलिए, आप ही लोग बोलिए। एम। जी हाँ, एम होगा, है ना। तो यहाँ लिखते हैं यदि पहले अर्धांश को इसको नोट भी करते जाइएगा, लिखा हुआ दिख रहा है ना। यस सर। पहला अक्षर आपका हो जाएगा एम। एवं तेरवा अक्षर क्या हो जाएगा, बोलिए। जेड होगा ना। तेरहवा अक्षर क्या हो जाएगा सर? पहला वाला में तेरे होगा, ए होगा। ए होगा, देखिए कितना अच्छा आशी का संधि। देखिए फर्स्ट हाफ को जो है हम लोग अपोजिट ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब एम से शुरू होगा और तेरहवा लेटर जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट हाफ को लिखेंगे अपोजिट ऑर्डर में तो मेरा पहला लेटर हो जाएगा एम और आपका 13th लेटर जो है या 13वां अक्षर हो जाएगा ए, और बाकी का जो है एम से लेकर के शेष अक्षर, जो शेष अक्षर बच जाएंगे, शेष अक्षर क्या क्या बचेंगे बोलिए। मतलब सर ए और एम को छोड़कर जो बचेगा वो, हाँ क्या बच जाएगा बोलिए। बी बचेगा, सी बचेगा, डी ई, इस तरह से बताइए आशी का क्या बचेगा शेष अक्षर सर। क्या बोले? अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ जो है हम लोग अपोजिट ऑर्डर में लिख दिए तो हम लोग को तो ये पता चल गया कि अब पहला अक्षर मेरा एम होगा
13वां अक्षर मेरा क्या हो जाएगा, ए होगा। उसके बाद जो शेष अक्षर बचेगा क्या बच जाएगा, बाकी का 13 अक्षर, बाकी का जो 13 अक्षर बचे तो एम से, एन से स्टार्ट होगा और एन से स्टार्ट होगा जेड पे जाके खत्म होगा। हां ठीक, एन से आपका ऐसे लिख देते हैं, एन से शुरू हो जाएगा और ये आपका लास्ट में आ जाएगा जेड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट हाफ को अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं तो अब हमारा लेटर देखिए इस तरह से चलेगा, मतलब शुरू होगा एम, फिर इस तरह से आपका आ जाएगा ए, और फिर ए के बाद ही ठीक आ जाएगा एन, और फिर ऐसे चलते जाएगा और लास्ट में आ जाएगा मेरा जेड। तो एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडर ये जो एम लिखे एम सर जी बोलिए बोलिए सर, बोल रहे एम जो सर नीचे जो लिखे है ना, हाँ एम डॉट डॉट ए एन आर जेड, हाँ वो बोल रहे हैं लास्ट में फिर तेरा मतलब इसमें तेरा तेरा करके लेना है ना। जी वो तो लिख ही दिया, आज हम लोग वैसे वर्णमाला क्रम पर विचार करेंगे जब प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, तो अभी हम लोग वैसे पर विचार कर रहे हैं जब पहला फर्स्ट हाफ ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो फर्स्ट हाफ जैसे ही ऑपोजिट ऑर्डर में होगा तो अभी देखिए आशिका भी डिटेल की, तो फर्स्ट हाफ आपका एम से शुरू होगा और ए पर ओवर हो जाएगा और सेकेंड हाफ में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ये एम से शुरू होगा और जेड पर ओवर होगा। एम के बाद ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड ये सब आएगा। ठीक है, और एम के बाद यहाँ पर क्या आएगा बोलिए, एल आएगा, एल के बाद क्या आ जाएगा के आएगा, और इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाते ए आएगा। तो अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में, anybody has problem to understand? There is no problem. अब इससे related देखिए, अब हम लोग कुछ question लिखते हैं just like last class. Let's see the first question. I am going to write the first question. मैं पहला question लिखने जा रहा हूँ, तो this is the first question.
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए कोई क्या लिखे हैं। एनीवन रीड दिस क्वेश्चन। बाएं ओर से, हाँ बाएं ओर से दूसरा अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो वही लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो तरीका है उसी को लगाएंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट या फिर राइट टू राइट। तो बोलिए सबसे पहले इसको कौन करेगा? ऐसा करते हैं पहले आशिका कीजिए, आपका इसमें लगता है कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो बोलिए। बाएं से दूसरे अक्षर के, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर देते हैं। जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए सर सबसे पहले तो, हाँ बोलिए, इसको बाएं और दाएं बोला गया, तो इसको बाएं और दाएं बोला गया, तो हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। हाँ, तो पांच और दो को जोड़े तो सात हुआ। हाँ, उसके बाद हमको बाएं तरफ से ले लेना है तो जी होगा। वाह वेरी गुड, देख लीजिए जी होगा क्या होगा, अभी तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका सातवां अक्षर होगा बाईं ओर से, दिस इज करेक्ट। लेकिन अभी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे हैं, तो हम लोग देखिए इसको फर्स्ट हाफ को क्या किए हैं, अपोजिट ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, तो मेरा कहाँ से शुरू होगा, एम से शुरू होगा पहला, है ना, एम से शुरू होगा ना, एम के बाद क्या आएगा, एल आएगा, फिर एल के बाद तीसरा क्या आएगा, के आएगा, के के बाद जे, जे के बाद आई, आई 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 के बाद एच, एच के बाद जी, जी 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 के बाद एफ, इसी तरह से आपका चलते जाएगा, और अभी तो आ जाएगा लास्ट में यहाँ पर ए, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होगा एन, और एन से चलते हुए जाएगा आपका जेड, चूँकि पहला क्वेश्चन था इसलिए अभी पूरा यहाँ लिख दिए। अब हम लोग को किधर से गिनना है बताइए, राइट से कि लेफ्ट से? बाएं से। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सातवा लेटर हो गया, तो सातवां लेटर इसका तब करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट लेटर क्या होगा, जी, करेक्ट लेटर आपका हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, सपोज दैट दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, आप यहाँ क्या करते हैं, दिस इज द थर्ड लेटर, यहां कर देते हैं तीसरा लेटर, पढ़िए कोई इस क्वेश्चन को। बाएं ओर से तीसरा अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर को कौन सा होगा जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो? तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर वन किए, तो कौन सा अक्षर होगा बोलिए, बाएं ओर,
एफ होगा। चलिए कोई तो यहाँ देखने से ही पता चल गया एफ होगा। पाँच दिन कई वहाँ लेटर होगा वो बोलिए। आठ होगा। वेरी गुड, आठ ही होगा। किधर से आठवां लेटर होगा? बाएं तरफ से। बाएं से इसको और इजी करेंगे तो क्या होगा बोलिए? क्या बोलो सर? और इसको आसान करें तो क्या लिखेंगे? एम की ओर से। अब आपका बायां लेटर क्या है? एम, सबसे बायां लेटर एम है। और तेरहवां लेटर आपका ए है। और सबसे लास्ट वाला जो है वो जेड है। इसको और यदि आसान कीजिएगा तो एम से बाईं ओर आठवां लेटर, ठीक है? या फिर अभी पहला स्टेप में इसी को लिखिए तो हो जाएगा। बाएं ओर से आठवां, अच्छा बाईं ओर से आठवां अक्षर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। After that there is no problem. To understand first two questions which are related to when first half are written in the opposite order. पहला दो क्वेश्चन समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब अल्फ़ाबेट को या फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट को ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है। लेट सी द सम मोर क्वेश्चन। इसके और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, दाएं से, ठीक है, बाएं के जगह अब दाएं करेंगे। कट गया है? नहीं कटेगा, सब दिखेगा। थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री को रीड कीजिए। रीड द क्वेश्चन नंबर थ्री, एनी वन ऑफ यू। दाईं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा जब प्रथम अधार्थ को विपरीत क्रम में लिखा गया हो? जी क्या कीजिएगा इसमें? राइट लेफ्ट है तो उसको ऐड करना होगा। जी ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। आप 15 लेटर किधर से लीजिएगा? राइट से।
हाँ, तो राइट से जब 50 लेटर लीजिएगा तो कहाँ से शुरू कीजिएगा काउंटिंग करना? ए से। चलिए, आप रजिया बोल रहे थे ना, देखिए इसमें अभी थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट हो गई है आशिका। आशिका बोलिए। सर उसको हम जेड से स्टार्ट करेंगे। देखिए जेड से, ये थोड़ा सा ज्यादा इनको मैंने, ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, मतलब हम यही बोल रहे। हाँ देखिए, शायद रजिया आप पहला क्लास, इसको कल का क्लास मिस कर गए थे इसीलिए आपको भी दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखा भी है, आप अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए ये राइट में आपका जेड है, यहाँ लिख भी दिए हैं पहला क्वेश्चन जो किए थे, और आपका देखिए क्वेश्चन शुरू हुआ है दाएं से, इट मीन्स दैट दाएं और बाएं की बात हो गई, राइट और लेफ्ट की बात। हाँ। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जो भी होगा तो उसमें एड कर देना है, और शुरू कहाँ से करना है तो आपका जो पहला लिखा हुआ है, मैंने राइट लिखा हुआ है तो राइट से शुरू करेंगे, और राइट में देखिए यहाँ पर पहला है आपका जेड, तो 13 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा वैसा करते हैं आशिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी होगा सर। चलिए भी एकदम बिल्कुल आपने सही बोला, 13 तक तो आपका, देखिए एन तक तो आपका क्या हो जाएगा 13वां, और ये 14वां लेटर ए हो जाएगा, 15वां लेटर आपका बी हो जाएगा। सो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को हमको लगता है कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कि दिक्कत है क्या? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम, एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब इसका अभी आंसर करेंगे या उत्तर करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा, बाई ओर से कि दाई ओर से क्या लिखे यहाँ पर? कौन बोला? श्रुति आपको थोड़ा सा हमको लग रहा है नहीं समझ रहा है। देखिए आशिका बोलिए कि इधर से लिखे दाएं कि बाएं? दाएं से। तो फिर सबको बताइए दाएं से काहे लिख रहे हैं, श्रुति सुनिएगा आशिका क्या बोल रही है। क्योंकि हाँ आगे सब बताया था नकल की, आगे जो रहेगा उसी से लेना है। हाँ। तो आगे दाएं है इसलिए हम आगे दाएं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, देखिए कितना बने एकदम पूरा पूरा क्लियर है, मतलब आशिका का ये कंसेप्ट। श्रुति आपको भी समझना चाहिए, क्वेश्चन आपका दाएं से शुरू हुआ है तो दाएं से ही लिखेंगे। हाँ दाएं से, मतलब सर जिससे स्टार्ट होगा उसी से लिखना है। हाँ जी, कल से तो बोल रहे हैं दाएं से। दाएं से अब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 काहे लिखे 10 प्लस 5? क्योंकि दाएं और बाएं, हाँ जब दाएं बाएं रहेगा तब जोड़ना, कल आप उसका ये बताए थे ना। हाँ, परसों लेफ्ट रहे, लेफ्ट और राइट रहे तो जोड़ देना है, या राइट या लेफ्ट रहे तो जोड़ देना है, माने ऑपोजिट डायरेक्शन रहे तो जोड़ देना है, है ना। तो फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे? 15। चलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 15। उसके बाद क्या लिख देंगे? 15 लेटर, लेटर ही है ना ये? Yes, ये 15 लेटर कौन सा हो जाएगा बोलिए? बी हो जाएगा। अब ये बी जिस ऑप्शन में रहेगा आपका, आप जो परीक्षा लिखेंगे उसमें कितना ऑप्शन रहेगा? मैक्सिमम 5 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी ई। तो जिस ऑप्शन में आपका बी रहेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि ये सर, हाँ बोलिए ना, कौन बोल रहे हैं बोलिए? ये बी कहाँ से है हमको समझ में नहीं आ। अच्छा चलिए आशिका, बी समझ में नहीं आया सर। हाँ हाँ ठीक है आशिका, इसको एक बार फिर से आप बोलिए बी कैसे हुआ। जैसे कि इसमें विपरीत क्रम, जैसे कि हमको 13-13 करके लिखना है, सबसे पहले हम एम से स्टार्ट किए तो ए तक गया, उसके बाद ये था मतलब 13 से लेके उसके बाद सीधा जाना हम लोग को एन से लेके जेड तक। तो हम जब जेड से गिने हैं तो हमारा लास्ट लेटर एन आ गया ना, तो 13 ही हुआ ना। उसके बाद हमको दो और लेना होगा ना, तो ए
ए और बी आया 15वां लेटर में, तो इसीलिए 15 ही हुआ। आप देखिए रजिया जी, यदि आप नहीं समझे होंगे तो देखिए, हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ लेना है बढ़िया से। अगर उस क्वेश्चन में हमको बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आता है, अगर मतलब अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आता है, तो हमारा पहला काम होगा कि उसको जोड़ देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ राइट हो और ये देखिए लेफ्ट है, तो पहला काम किए जोड़ दिए। उसके बाद देखना है कि किधर से, मतलब अब हम जोड़ने के बाद जो लेटर आया 15, तो ये 15 लेटर अब हम किधर से चलेंगे, राइट से चलेंगे कि लेफ्ट से चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में जो सबसे पहले रहेगा, तो सबसे पहले देखिए दाएं है, मतलब हम लोग राइट से चलेंगे 15वां लेटर। उसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है प्रथम अर्धांश, माने फर्स्ट आपको पहला 13 लेटर को ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन था, देखिए यहाँ ये देखिए जो ब्लू से हम इसको डार्क कर दिए, तो प्रथम अर्धांश माने एम से लेकर के ए तक ऑपोजिट ऑर्डर में है और बाकी एम से लेकर के जेड तक आ गया। क्वेश्चन बोल रहा था दाई ओर से बाई ओर, मतलब यहाँ डायरेक्शन है राइट और लेफ्ट का, माने जोड़ेंगे 10 और 5 जो यहाँ जोड़ दिए 15। अब ये 15 किधर से चलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है दाएं से, मतलब जेड की ओर से चलेगा 15। तो जेड से जैसे ही चलेंगे तो एम तक आ जाएगा हमको 13, ए आपका आ जाएगा 14वां लेटर और आपका बी जो है वो होगा 15वां लेटर। तो ये 15वां लेटर मेरा बी हो जाएगा। आप बताइए। हाँ, समझ गए सर। समझ गए ना, हमको लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। श्रुति आप समझे इसको? बता रहे थे वो ना। हाँ हाँ जी, अभी जो बता रहे थे। हाँ सर, वो समझे। चलिए आप भी समझ गए, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करेंगे है ना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पर कीजिएगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इस तरह का क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखे, देखिए समझ में आ जाएगा। यस सर। This is the question.
यहाँ बोलता है कि फर्स्ट हाफ हैव बीन रिटन इन टू अपोजिट ऑर्डर, मैंने प्रथम अर्धांश को अपोजिट ऑर्डर में लिखा गया। तो बोलता है देन विच लेटर विल बी, कौन सा लेटर होगा, बारवा लेटर के लेफ्ट, ठीक है, तीसरा लेटर के राइट से बाया लेटर के बारहवें लेटर के लेफ्ट में कौन सा होगा, आंसर विल बी व्हाट, सबसे पहले देखिए इसको फर्स्ट हाफ को लिखा है ऑपोजिट में और यहां पर देखिए डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू क्या है, राइट से थ्री लेना, राइट टू क्या है, राइट है सर, राइट है और क्या है लेफ्ट, तो क्या करेंगे सबसे पहले इस दोनों को जोड़ना है, हाँ तो इसका पंद्रहवां लेटर होगा, हाँ किधर से, पहले राइट राइट, हाँ तो लिख देंगे राइट से, हाँ राइट से फ्रॉम पहले राइट, फ्रॉम राइट कौन सा लेटर हो जाएगा बोलिए, थ्री प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फिफ्टींथ लेटर, कौन सा होगा फिफ्टींथ लेटर, बी आपका तेरवा लेटर हो गया, कौन सा एन होगा ना, चौदहवा लेटर ए और पंद्रहवा लेटर हो गया बी, बिल्कुल उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिए थे, ये क्वेश्चन यदि इंग्लिश में रहता तो आपको इंग्लिश में रहे या जिस भाषा में रहे आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट वही है, अगर राइट और लेफ्ट या लेफ्ट और राइट आ गया तो आपको जोड़ देना है, ठीक है, उसके बाद आपको जहां से शुरू किया है राइट से शुरू किया है तो आपको राइट से उतना लेटर ले लेना है, ठीक है, अगर यदि फर्स्ट आपको अपोजिट ऑर्डर में लिखा है तो फर्स्ट आपको अपोजिट ऑर्डर में ले लेंगे। अब लेट्स सी, अगर यहीं पर यदि कर देते विच लेटर, अब ये क्वेश्चन को पांचवा क्वेश्चन करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, आपका फिफ्थ लेटर ले लिए और टू ट्वेल्थ लेटर मूव किए राइट की ओर, आप में से कोई इस क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार, इफ फर्स्ट हाफ हैव बीन रिटन इन टू अपोजिट ऑर्डर देन व्हिच लेटर विल बी फ्रॉम फिफ्थ लेटर राइट टू ट्वेल्थ लेटर लेफ्ट, ठीक है क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन अंग्रेजी में हो हिंदी में हो क्वेश्चन का वही कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि फर्स्ट हाफ को ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है और हमसे पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से पांचवें लेटर के बाई और बारहवां लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट मने बाएं होता है, ठीक है पता है ना आप लोग को, लेफ्ट मने बाएं और राइट मने क्या होता है दाहिने, दाएं या दाहिने, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा किधर से चलिएगा, दाएं तरफ चलो, तो लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम राइट, कितना लेटर हो जाएगा, क्या करेंगे अब 17 लेटर होगा, हाँ तो 5 प्लस क्या कर देंगे 12, श्रुति बोलिए ये आंसर डी हुआ, आपको समझ में बात आया, सर पहले इसको जोड़ दिया उसके बाद फिर इधर राइट से लिए एम एम से फिर गया फिर उसके बाद
फिर ए से आया। हाँ तो ए से कितना जाइएगा बोलिए, आपका 13 हो गया है ना, वहाँ पर 13 में कितना जोड़िएगा तो आपका 17 आएगा सर, 4। 4 तो चौथा लेटर क्या होगा ए से शुरू होगा तो डी। आप इस तरह से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यस इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दीज 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस को आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चल रहा था, अभी लेफ्ट टू लेफ्ट का कुछ क्वेश्चन देते हैं और राइट टू राइट का कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो ये 5वां ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आशिका और इसका मतलब क्या कहते हैं, रजिया जी को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो पहले इन्हीं लोग से इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप दोनों में से कौन पहले इसको डील कीजिएगा, आशिका की रजिया? हमको सुन पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। तो चलिए तो कीजिए, कोई कौन कीजिएगा, आशिका की रजिया? ये क्वेश्चन समझ गए? हाँ कीजिए, ये क्वेश्चन समझ गए हैं? यस सर। चलिए यस सर। फाइव राइट साइड से बोला, टू राइट साइड से बोला, तो फाइव और टू को ऐड करना होगा। अच्छा अच्छा, फिर कौन बोले, आशिका रजिया बोले कि आशिका? सर राइट टू राइट जाता है तो माइनस होता है। हाँ जी माइनस ही होता है, यही तो अभी कौन राइट टू राइट जाएगा तो माइनस होगा सर। माइनस होगा भाई, इसीलिए तो बोले। तो यहाँ आपका सेकंड लेटर कर देते हैं, फाइव प्लस करेंगे तो सेवन होगा। सेवन होगा? हाँ। कौन बोले ही, आशिका की? नाम भी बोलते जाइएगा, आवाज से थोड़ा सा। नहीं सर हम बोले, कौन नहीं बोल, रजिया? रजिया बोल रहे हैं? यस सर, प्लस होगा, ऐड होगा। नहीं भाई, ऐड नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा सर, हम बता रहे हैं। राइट टू राइट है ना? हाँ देखिए आशिका बता रही है, चलिए सर। नहीं नहीं, हाँ बोलिए आशिका, आशिका बोलिए। फ्रॉम क्या लिखे, राइट की लेफ्ट? राइट लिखे कि लेफ्ट लिखे बोलिए? राइट, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करें, चलिए 5 माइनस 2 लिख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो ये थर्ड लेटर, हाँ थर्ड लेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, राइट राइट से थर्ड लेटर क्या हो जाएगा? चलिए जेड शुरू होगा, जेड आपका पहला होगा, वाई आपका दूसरा होगा और एक्स आपका तीसरा होगा। ओके सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एक्स। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 इन द नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, या इसी पेज में देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। रीड कीजिए कोई इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है? Have been written into which order, then which letter will be from 5th letter right to 12th letter left. चलिए यहाँ right के जगह अब हम लोग कर देते हैं, यहाँ left करते हैं। और यहाँ 15th letter कर देते हैं। आप बोलिए इसको कौन सॉल्व कीजिएगा? चलिए बोलिए, आशिका कीजिएगा, श्रुति कीजिएगा, पहले बोलिए राइट लिखे कि लेफ्ट लिखे, फ्रॉम क्या लिखे? लेफ्ट लिख दिए। इक्वल टू क्या करे? 15 माइनस 12 इक्वल टू क्या करे? 3 थर्ड लेटर, यही ना? क्या होगा यहाँ? क्या होगा? चलिए आशिका बोलिए क्या होगा? नहीं सर, आशिका ही बोल रही थी। आशिका भाई आप तो यहाँ पर मिस कर गए, गलत कर गए। फर्स्ट हाफ होगा, आपका आपका लेटर शुरू होगा एम से, यहाँ पर के होगा सर। कोई दिक्कत समझ में बात आ गया? लेटर के से शुरू होगा सो के होगा। Yes, मैंने लेटर के से शुरू होगा, ये बात समझ में आ गया ना? चलिए लेटर आपका आपका जो जो फर्स्ट हाफ जो लिखा गया है, फर्स्ट हाफ आपका एम से शुरू हो रहा है तो पहला लेटर होगा, एल आपका दूसरा होगा और के आपका तीसरा हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी के। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब इस क्लास को ओवर करने से पहले एक बार रिकैप कर देते हैं। अभी आज हम लोग केवल स्टडी किए हैं जब इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ को अपोजिट ऑर्डर में लिखा जा रहा था। फर्स्ट हाफ को मतलब ए से लेकर के एम तक को जब अपोजिट ऑर्डर में लिख रहे थे, मतलब एम से ये शुरू हो गया था और आपका 13वां लेटर ए आया था और बाकी का जो है 13 लेटर मतलब एम से शुरू हुआ और जेड में समाप्त हो गया। अगर आप इसको देख रहे थे तो यहाँ पर देखिए, इसको जो पहला किए थे यही किए थे। देखिए एम से आपका शुरू हुआ था और आपका ये जेड में फिनिश हुआ था, ठीक है? यही से शुरू किए थे फर्स्ट हाफ रिटर्न इनटू द ऑपोजिट ऑर्डर। और आपका कंसेप्ट कल वाला ही था जब राइट टू लेफ्ट जा रहा था या लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो आपको बोले थे जोड़ देना है, आपको बोले थे कि सेंटेंस में जो वर्ड पहले मिल जाए, अगर पहले राइट मिल जाए तो फ्रॉम राइट और उसके बाद राइट और लेफ्ट मिला है तो जोड़ देना है, अगर क्वेश्चन में पहले लेफ्ट मिल जाए तो फ्रॉम लेफ्ट और फिर एड कर देना। यही एक छोटा सा कंसेप्ट था और इसी कंसेप्ट को लेकर के आज हम लोग कितना क्वेश्चन किए? वी हैव डन 6 to 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन किए और हम लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। नाउ वी आर रेडी टू टैकल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आपका लास्ट 15 लेटर जो है ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही,
अगर ये यूट्यूब में आता है तो हम इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग इसको जरूर देखिए। वहाँ भी देखने से थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट यदि बाकी रह गया होगा समझना, तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज आप हम लोग हमारे साथ आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, ये क्लास आप सबों के लिए यूजफुल हो, ऐसा मैं आशा या अपेक्षा रखता हूँ। थैंक यू। इट्स ओके।